दोस्तों डोबी इस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास लेयर्स की एक ऑप्शन मौजूद है और लेयर्स क्या होती हैं सबसे पहले इसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको जो है वो लेयर्स एनस्ट्रेटर में जो है वो एक्सप्लोर भी करवाता हूँ अच्छा आमतौर पे मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि लोग आ, सीखते हुए सॉफ्टवेयर को लेयर से बहुत ज़्यादा घबराते हैं हालांकि इसकी बिल्कुल भी कोई ऐसी जरूरत जुरूर, नहीं है घबराने की लेयर्स बहुत ही सिंपल सी चीज़ है देखिए दोस्तों लेयर्स का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि ये बेसिकली जिस तरह अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि ये एक लेयर है मेरा हा, एक हाथ है ये इसके ऊपर एक और लेयर है और फिर ये एक और लेयर और इस तरह सो एंड सो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर चलती जाती हैं जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग की कई सारी मंजिलें होती हैं तो वो बेसिकली उसकी लेयर्स uh, uh, जो है वो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं तो हम जब आर्टवर्क क्रिएट करते हैं तो हम उसको लेयर वाइज भी रख सकते हैं और लेयर्स में भी उसको बना सकते हैं अच्छा इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में दोनों में लेयर्स मौजूद हैं लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझाता जाऊँ फ़ोटोशॉप जो है जो आगे चल के हम देखेंगे लर्न करेंगे वो आ, उसके अंदर हम देखेंगे कि वहाँ पे लेयर्स को साथ साथ मैनेज करना और लेयर्स के अंदर काम करना लेयर्स के थ्रू काम करना हमारे लिए लाजिम है मैंडेट्री है उसमें उसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है क्योंकि फ़ोटोशॉप का जो वर्क फ्लो है वो बेसिकली बेस्ड ही लेयर्स के ऊपर है लेकिन इलस्ट्रेटर के अंदर हमें यह सहूलत है कि ये यहाँ पे हम अगर लेयर्स ख़ुद से ना बनाएं, ना मैनेज करें तो भी हमारा काम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता तो चलें अब ये चीज़ें सारी जो हैं वो चल के इलस्ट्रेटर की तरफ़ देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इलस्ट्रेटर में हम लेयर्स को जो है वो लेयर्स पैनल को देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अच्छा दोस्तों इलस्ट्रेटर के अंदर लेयर्स हम दो जगहों से हासिल कर सकते हैं एक तो ये जो हमारे पास राइट पे मेन्यू आ रहा है इसमें यहाँ पे नीचे करके ये लेयर्स की एक ऑप्शन अवेलेबल है इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि लेयर्स का जो एक पैनल है ये मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो गया ठीक है जी अच्छा इसी तरह से यहाँ पे विंडो में अगर हम आए यहाँ पे लेयर्स मौजूद हैं और इसकी शॉर्ट की जो है वो एफ है और क्योंकि मैंने यहाँ से ये लेयर पैनल ऑलरेडी जो है वो ओपन कर रखा है इसलिए यहाँ पे ये क्लिक भी आपको लगा हुआ है इसके ऊपर नजर आ रहा है तो आप यहाँ से भी विंडो पैनल में से भी जाके ले सकते हैं और यहाँ से इन मैन्यूज में से भी अपनी जो लेयर है इसको ऑप्ट कर सकते हैं अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया देखें तो मैं काम करता हूँ कि मैं इलस्ट्रेटर के अंदर यहाँ पे जनाब अली मैं कुछ शेप्स दो तीन डिफरेंट शेप्स जो हैं वो मैं लेता हूँ अच्छा यहाँ पे आपने गौर करना है कि देखें मैं नई लेयर कोई नहीं मैंने अभी तक ली मेरे पास एक लेयर ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल थी ठीक है और मैंने कोई न्यू लेयर नहीं ली और मैं काम करता जा रहा हूँ ठीक है जी और मैं अभी एक और शेप यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल दिस ठीक है जी और इसका कलर जो है वो मैं कोई सा चेंज कर लेता हूँ अच्छा अब ये देखें एक इंटरेस्टिंग बात जैसे मैं पहले भी आपको अभी बता चुका हूँ कि इलस्ट्रेटर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप न्यू लेयर ना भी लें हर एक नए ऑब्जेक्ट के लिए या नए किसी भी काम के लिए तो क्या होता है कि आपकी फिर भी हर ऑब्जेक्ट सेपरेटली आपके रीच में होती है या आपके एक्सेस में होती है अब ये देखें कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ही लेयर के अंदर तीन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए एक स्क्वायर लिया एक सर्कल लिया और एक यहाँ से येजोग यह लिया पॉलीगोन टूल से अच्छा ये तीनों मैं अगर अलग अलग जाके इनको पकड़ूं तो ये देखे मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ अच्छा लिहाजा ये पता चला कि इलेस्ट्रेटर में लाजमी नहीं है लेयर में काम करना लेकिन यस कई सिचुएशंस के अंदर आपको लेयर पैनल जो है ये काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है और आपको आसानी हो सकती है मिसाल के तौर पर आप कोई जरा डिटेल्ड आर्टवर्क क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आप चीजों को थोड़ा सा सेपरेट रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी चीजें डिफरेंट लेयर्स में रहें और स्टेप बाय स्टेप आप उसको परफॉर्म करें अपने आर्टवर्क को तो डेफिनेटली आप लेयर्स में आके काम कर सकते हैं और ये आपको बिल्कुल फायदा देगा अच्छा यहाँ पे ये देखें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ इस वाले पैनल को ये देखें मैंने अभी ये तीन चीजें बनाई और आपने नोट किया कि यहाँ पे लिखा है जी लेयर वन इसपे मैं अगर डबल क्लिक करूं तो मैं इस लेयर का नाम जो है वो चेंज कर सकता हूँ फॉर एक्जाम्पल मैं इसको लिख देता हूँ जी शेप्स अच्छा अब यहाँ पे ये यह हर शेप का जो भी मैंने शेप टूल में से शेप लिया उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इवन के उसकी ये शकल भी यहाँ पे बनी हुई हमारे पास आ रही है अच्छा अगर हम इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें नीचे हमारे पास एक और बटन आ रहा है क्रिएट न्यू लेयर का ठीक है जी यानी कि हम एक नई लेयर बना के उसके ऊपर मजीद कई चीजें जो हैं वो भी हम बना सकते हैं इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्रिएट न्यू सब लेयर की ऑप्शन आ रही है अच्छा बेसिकली अभी जब ये देखें मैंने एक लेयर के अंदर रहते हुए तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए तीन सेपरेट ऑब्जेक्ट्स तो बेसिकली इलस्ट्रेटर ने किया क्या कि इलस्ट्रेटर ने उस एक लेयर के अंदर ही तीन सब लेयर्स खुद से बना दी हैं मेरी आसानी के लिए और अब अगर इनको जाके मैं यहाँ से ये जो आए वाला बटन एक आपको नज़र आ रहा है इसको ऑफ करूँ तो ये देखें मैं इन तीनों को सेपरेटली भी डील कर सकता हूं क्योंकि ये तीनों तीन डिफरेंट सब लेयर्स हैं यानी एक लेयर के अंदर मजीद लेयर्स बन गई हैं ठीक है जी और इसके अलावा अगर मैं इनको ऐसे सिर्फ सिंपली यहां से ड्रैग करूं तो मैं इनको ओवरऑल भी सिलेक्ट कर सकता हूं ठीक है जी तो ये मेरे पास सहूलत यहाँ पे अवेलेबल है अच्छा मैं चाहता हूँ कि मैं जी ये फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी कि ये हमारा एक थोड़ा सा आर्ट वर्क या चलें अभी ये खैर हमने कुछ बनाया तो नहीं है लेकिन चलें हम इसको जो भी हमने तीन शेप्स बनाई हैं इनको हम यहीं पे स्टॉप करके हम नई लेयर के अंदर कुछ नई जो शेप्स हैं वो क्रिएट करना चाहते हैं तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ से आके एक सर्कल जो है वो और ले लेते हैं अभी आप नोट करें कि ये वाला सर्कल मेरा इस नई वाली लेयर के अंदर गया जिसका नाम है लेयर टू इसको मैं नाम दे देता हूँ जी शेप्स टू का अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ लोग एक चीज़ से बहुत घबराते हैं और वो है कि जी लेयर्स का नाम रीनेम करना दोस्तों लेयर्स को रीनेम करने से फ़ायदा हमारा ही होता है और हमें डिस्टिंग्विश करने में आसानी होती है हमें ये देखने में आसानी होती है कि हमने कौन सी लेयर के अंदर क्या चीज़ बना के जो है वो रखी थी और कोशिश करें कि जब नई लेयर्स लें तो उनको रीनेम खुद से कर लें अब ये देखें जी ये हमारे पास नई लेयर के अंदर ये अलग से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं और ये हमारे पास अलग से एक लेयर के अंदर आ गए हैं तो हम बेसिकली इन सारे ऑब्जेक्ट्स को ऑन दी होल इकट्ठा भी डील कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में और हम अगर इनको दो सेपरेट लेयर्स के तौर पे भी अगर डील करना चाहें कोई भी अमल इनके साथ करना चाहें तो वो हम अलग अलग भी कर सकते हैं ये अलग अलग लेयर्स में हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं ये आप देख सकते हैं कि ये यानी यहाँ से आके अगर मैं ऑफ करूँ तो ये देखें इस लेयर में जो मेरी दो शेप्स हैं ये ऑफ हो गई हैं इसी तरह से ये मैं आपको पहले करके दिखा चुका हूँ ऑफ ठीक है जी तो ये हमारे पास एक सहूलत यहाँ पे आ जाती है अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस लेयर को डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास डिलीट सिलेक्शन का बटन है मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कि डू यू वॉन्ट टू डिलीट दिस लेयर यस करूँगा तो ये देखें वो जो नई लेयर बनाई थी और उसके अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट्स लिए थे वो डिलीट हो चुके हैं इस वक्त ठीक है जी अच्छा यहाँ पे देखते हैं कुछ और ऑप्शंस हमारे पास जो अवेलेबल हैं जरा इस फ्लाई आउट बटन पर जाते हैं और इस पे क्लिक करते हैं ये देखें एक तो न्यू लेयर की ऑप्शन आ रही है इस वाली ऑप्शन में क्या है हमारे पास इसको भी देख लेते हैं दोस्तों यहाँ से एक तो वही हम रीनेम कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ से भी कर लिया था इसके अलावा हम यहाँ पे इसका कलर दे सकते हैं ठीक है जी ये कलर जो है ये यह यहाँ पे यह आप देखें ये आपको ग्रीन और ब्लू दो कलर्स नजर आ रहे हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब कोई लेयर बनती है तो इलस्ट्रेटर आमतौर पर उसको यहाँ पे ब्लू कलर देता है और ये ब्लू कलर यहाँ पे आपको बाउंडिंग बॉक्स पे भी नजर आ रहा होता है लेकिन अगर इस वाली जगह पे यहाँ पे अब अगर मैं ये देखें इस नई लेयर में जिसका कलर मैंने ग्रीन दिया था इसको अगर मैं एक शेप इसके अंदर क्रिएट करके उसको पकड़ता हूँ होल्ड करता हूँ सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें इसका जो बाउंडिंग बॉक्स है वो ब्लू नहीं आ रहा वो ग्रीन आ रहा है तो मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ कि अच्छा ये मेरी दूसरी लेयर का ऑब्जेक्ट है और ये वाला जो है ये मेरी पहली वाली लेयर का ऑब्जेक्ट है तो ये हम यहाँ से इसको जो है वो इनके लेयर्स में वो भी लेयर्स के कलर्स में वो भी हम डील कर सकते हैं देख सकते हैं अच्छा जी इस फ्लाई आउट बटन के अंदर देख लेते हैं जी हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं अच्छा यहाँ पे हमारे पास मेक क्लिपिंग मास्क लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास क्लिपिंग मास्क की ऑप्शन मौजूद है चलें ज़रा कुछ ऑब्जेक्ट्स जल्दी से लेते हैं और क्लिप मास्क देखते हैं कि यहाँ पे हम अगर क्लिप मास्क लगाएं तो उसका हमें क्या बेनिफिट होगा और इसमें बेसिकली हमें ये क्लिपिंग मास्क की जो ऑप्शन है ये क्यों दी गई है ऑल्ट की मदद से मैं इसको जो है वो डुप्लिकेट कर लेता हूँ और मैं अभी फ़िलहाल इन्हीं शेप्स को जो है वो कर रहा करूँ और इन्हीं को मैं जो है वो दोबारा कोई और कलर जो है वो दे देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए अच्छा जी अब ये मैंने कुछ शेप जो हैं ये डुप्लीकेट कर ली हैं और इनको मैंने कुछ डिफरेंट जो है वो कलर्स भी दे दिए हैं इसको मैं थोड़ा सा अपनी कॉम्पोजिशन को जो है वो फैला देता हूँ और मैं क्या करता हूँ मैं अब यहाँ से एक लेता हूँ जी सर्कल लिप स्टूल की मदद से ठीक है और अब यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ कि मैं सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिप मास्क बनाता हूँ अच्छा ये देखें दोस्तों क्लिप मास्क तो हमारा बन गया है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग हमारे पास चीज़ आती है क्लिप मास्क के हवाले से वो क्या आती है जब आम तौर पे हम क्लिप मास्क बनाते थे तो ये हमारे पास पूरी शेप नहीं आ रही होती थी ये आप देखें अगर मैं इसको स्क्वेयर को छोटा करूँ तो ये देखें मेरा पूरा स्क्वेयर मेरे पास अभी भी मुझे नज़र आ रहा है तो बेसिकली मैंने जो मास्क बनाया ये सर्कल वाला इसके अंदर रहते हुए मैं इस ऑब्जेक्ट की शेप को इंडिपेंडेंटली भी डील कर सकता हूं इस वक्त ठीक है जी ये देखें इसको अगर मैं छोटा करूं तो ये एक अलग से मेरे पास स्क्वेयर अभी भी मौजूद है तो बेसिकली यहाँ से आके लेयर से क्लिप मास्क लगाने का फायदा क्या है कि मास्क तो लग जाएगा और वो ऑब्जेक्ट्स मास्क हो जाएंगे हमारे उस बड़े ऑब्जेक्ट में जिसके अंदर हमने उसको मास्क किया है या उस पाथ के अंदर जिसमें हमने उसको मास्क किया है लेकिन उनकी जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है वो भी अपनी जगह वहीं के वहीं कायम रहेगी और वो भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने पाएगी तो ये एक हमारे पास यहाँ पे जो क्लिपिंग मास्क के हवाले से एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन लेयर पैनल के अंदर यहाँ पे हमें दी गई है अवेलेबल है ठीक है जी अच्छा यहाँ पे ये एक सर्च की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है इसमें आप बेसिकली जाके कोई भी चीज़ जो है वो सर्च भी कर सकते हैं दोस्तों इस लेसन में हम लोगों ने इलस्ट्रेटर में लेयर्स के हवाले से जो है वो डिस्कस किया और मैंने आपको बताया कि लेयर्स इलस्ट्रेटर में हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ लेयर्स की तो आपको समझ आ ही गई है मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ये इलस्ट्रेटर के हवाले से हमारा जो है वो लास्ट लेसन था और आने वाले लेसन में हम इनशा तल किसी और सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो मिलेंगे और मज़ीद चीज़ें जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से लर्न करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि एलस्ट्रेटर के हवाले से हमने जितने भी टूल्स लर्न किए हैं इस कोर्स में या जो भी हमने चीज़ें सीखी हैं जितने भी फीचर्स हमने एलस्ट्रेटर के देखे हैं अब आप लोगों का काम यह है कि आपने उनको प्रैक्टिस करना है दोस्तों याद रखें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अभी आपको समझ तो आ गई है लेकिन वो चीज़ आपके साथ आगे कैरी ऑन नहीं होगी और आप उसके थ्रू मजीद इंटरेस्टिंग आर्ट वर्क नहीं बना पाएंगे तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इन तमाम चीज़ों को जो हमने लस्ट्रेटर में लर्न की हैं आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लस्टेटर के हवाले से आपने चीज़ें जो है वो सीखनी है मैं उम्मीद करता हूँ कि इन लेसन का आपको फ़ायदा होगा और आने वाले लेसन में भी इन शाह तला हम इसी तरह की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से सीखते रहेंगे तो इन ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट लेसन में